ओम नमः शिवाय। मैना का विलाप शिव के साथ कन्या का विवाह न करने का हट, देवताओं तथा श्री विष्णु का उन्हें समझाना तथा उनका सुंदर रूप धारण करने पर ही शिव को कन्या देने का विचार प्रकट करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जब हिमाचल प्रिया सती मैना को चेत हुआ तब वे अत्यंत शुद्ध होकर विलाप करने लगी एवं तिरस्कार करने लगी। पहले तो उन्होंने अपने पुत्रों की निंदा की, उसके बाद वे तुम्हें और अपनी पुत्री को दुर्वचन सुनाने लगी। मैना बोली, मुने पहले तो तुमने यह कहा कि शिवा शिव का वरण करेगी, पीछे मेरे पति हिमवान का कर्तव्य बताकर उन्हें आराधना पूजा में लगाया, परंतु इसका यथार्थ फल क्या देखा गया? विपरीत एवं अनर्थकारी दुर्बुद्धि देवर्षे, तुमने मुझ अधम नारी को सब तरह से ठग लिया, फिर मेरी बेटी ने ऐसा तप किया जो मुनियों के लिए भी दुष्कर है, उसकी उस तपस्या का यह फल मिला जो देखने वालों को भी दुख में डालता है। हाय, मैं ये क्या करूं, मैं कहां जाऊं, कौन मेरे दुख को दूर करेगा? मेरा कुल आदि नष्ट हो गया, मेरे जीवन का भी नाश हो गया, कहां गए वे दिव्य ऋषि? पाऊं तो मैं उनकी दाढ़ी मूछ नोच लूं। वशिष्ठ की वह तपस्विनी पत्नी भी बड़ी धुरता है, वह स्वयं इस विवाह के लिए अगुआ बनकर आई थी, न जाने किन किन के अपराध से इस समय मेरा सब कुछ लूट गया है। ऐसा कहकर मैना अपनी पुत्री शिवा की ओर देखने लगी, उन्हें कटु वचन सुनाने लगी। अरे दुष्ट लड़की, तूने यह कौन सा कर्म किया जो मेरे लिए दुखदायक सिद्ध हुआ? तुझ दुष्टा ने स्वयं ही सोना देकर कांच खरीदा है, चंदन छोड़कर अपने अंगों में कीचड़ का ढेर पोत लिया। हाय, हंस को उड़ाकर तूने पिंजरे में कौवा पाल लिया, गंगा जल को उतूर फेंककर कुएं का जल पिया, प्रकाश पाने की इच्छा से सूर्य को छोड़कर यत्नपूर्वक जुगनू को पकड़ा, चावल छोड़कर भूसी खा ली, घी फेंककर मोम के तेल का आदरपूर्वक भोग लगाया, सिंह का आश्रय छोड़कर शियार का सेवन किया, ब्रह्म विद्या छोड़कर कुत्सित गाथा का श्रवण किया। बेटी, तूने घर में मेरी रखी हुई यश की मंगलमय विभूति को दूर हटाकर चिता की अमंगलमयी राख अपने पल्ले बांध ली है, क्योंकि समस्त श्रेष्ठ देवताओं और विष्णु आदि परमेश्वरों को छोड़कर अपनी कुबुद्धि के कारण शिव को पाने के लिए ऐसा तप किया। तुझको, तेरी बुद्धि को, तेरे रूप को और तेरे चरित्र को भी बारंबार धिक्कार है। तुझे तपस्या का उपदेश देने वाले नारद को तथा तेरी सहायता करने वाली दोनों सखियों को बीच धिक्कार है। बेटी, हम दोनों माता पिता को भी धिक्कार है जिन्होंने तुझे जन्म दिया। नारद, तुम्हारी बुद्धि को भी धिक्कार है, सुबुद्धि देने वाले उन सप्त ऋषियों को भी धिक्कार है, तुम्हारे कुल को धिक्कार है, तुम्हारी क्रिया दक्षता को भी धिक्कार है, मेरे कुल का नाश कर दिया, मैं बांझ क्यों नहीं हो गई, मैं अथवा मेरी पुत्री ही क्यों नहीं मर गई, ऐसा राक्षस आदि ने भी आकाश में ले जाकर इसे क्यों नहीं खा डाला? पार्वती, आज मैं तेरा सिर काट डालूंगी, परंतु ये शरीर के टुकड़े लेकर क्या करूंगी, तुझे छोड़कर कहाँ चले जाऊं, मेरा तो जीवन ही नष्ट हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद यह कहकर मैना मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी, शोक रोष आदि से व्याकुल होने के कारण वे पति के समीप नहीं गई। देवर्षि उस समय पति के समीप सब देवता क्रमशः उनके निकट गए। सबसे पहले वे मैं पहुंचा, मुनि श्रेष्ठ मुझे देखकर तुम स्वयं मैना से बोले। नारद ने कहा, पतिव्रते, तुम्हें पता नहीं है, वास्तव में भगवान शिव का रूप बड़ा सुंदर है, उन्होंने लीला से ऐसा रूप धारण कर लिया है, यह उनका यथार्थ रूप नहीं है, इसलिए तुम क्रोध छोड़कर स्वस्थ हो जाओ, हट छोड़कर विवाह का कार्य करो और अपनी शिवा का साहत शिव के हाथों में दो, उठो यहाँ से दूर चले जाओ, तुम दुष्टों और अधमों के शिरोमणि हो। मैना के ऐसा कहने पर मेरे साथ इंद्र आदि सब देवता एवं दिक्पाल क्रमशः आकर यूँ बोले, पितरों की कन्या मैंने तुम्हें, तुम हमारे वचनों को प्रसन्नतापूर्वक सुनो, ये शिव निश्चय ही सबसे निकट उत्कृष्ट देवता है और सबको उत्तम सुख देने वाले हैं, आपकी पुत्री के अत्यंत दुस्सह तप को देखकर इन भक्त वत्सल प्रभु ने कृपा पूर्वक उन्हें दर्शन और श्रेष्ठ वर दिया था। यह सुनकर मैना ने देवताओं से बारंबार अत्यंत विलाप करके कहा, शिव का रूप बड़ा भयंकर है, मैं उन्हें अपनी पुत्री नहीं दूंगी, आप सब देवता प्रपंच करके क्यों मेरी इस कन्या के उत्कृष्ट रूप को व्यर्थ करने के लिए उद्यत हो? मुनीश्वर, इसके ऐसा कहने पर वशिष्ठ आदि सप्त ऋषियों ने
वहां आकर यह बात कही, पितरों की कन्या तथा गिरिराज की पत्नी रानी, मैंने हम लोग तुम्हारा कार्य सिद्ध करने के लिए आए हैं। जो कार्य सर्वथा उचित और उपयोगी है, उसे तुम्हारे हट के कारण हम विपरीत कैसे मान लें। भगवान शंकर का दर्शन सबसे बड़ा लाभ है। वे दान पात्र होकर स्वयं तुम्हारे घर पधारे हैं। उनके ऐसा कहने पर भी ज्ञान दुर्बला मैना ने उनकी बात मिथ्या कर दी और रुष्ट होकर उनसे कहा, मैं शस्त्र आदि से अपनी बेटी के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगी, परंतु उसे शंकर के हाथ में नहीं दूंगी। तुम सब लोग दूर हट जाओ, किसी को मेरे पास नहीं आना चाहिए। ऐसा कहकर यह अत्यंत विवल हो विलाप करने लगी। विलाप करके मैना चुप हो गई। मुने, वहाँ उनके इस बर्ताव से हाहाकार मच गया। तब हिमालय अत्यंत व्याकुल हो वहाँ आए और मैना को समझाने के लिए प्रेम पूर्वक तत्व दर्शाते हुए बोले। हिमालय ने कहा, प्रिय मैने, मेरी बात सुनो। तुम इतनी व्याकुल क्यों हो गई? देखो तो कौन कौन से महात्मा तुम्हारे घर पधारे हैं। तुम इनकी निंदा क्यों करती हो? भगवान शंकर को तुम भी जानती हो, किंतु नाना नाम रूप वाले शंभू के विकट रूप को देखकर घबरा गई हूँ। मैं शंकर जी को भली भांति जानता हूँ। वे ही सबके प्रतिपालक पूजनीय है तथा अनुग्रह एवं निग्रह करने वाले। निष्पाप प्राण प्रिय, हट न करो, मानसिक दुख छोड़ो, सुव्रते शीघ्र उठो और सब कार्य करो। पहली बार विकट रूपधारी शंभु ने मेरे द्वार पर आकर जो नाना प्रकार की लीलाएं की थी, मैं उनका आज तुम्हें स्मरण दिला रहा हूँ। उनके उस परम महात्म्य को देख और समझकर उस समय मैंने और अब तुमने उन्हें कन्या देना स्वीकार किया था। प्रिय, अपनी उस बात को प्रमाण मानकर सार्थक करो। इस बात को सुनकर शिवा की माता मैना हिमालय से बोली, नाथ मेरी बात सुनिए और सुनकर आपको वैसा ही करना चाहिए। आप अपनी पुत्री पार्वती के गले में रस्सी बांधकर इसे बेखटके पर्वत से नीचे गिरा दीजिए, परंतु मैं इसे हर के हाथ में नहीं दूंगी। अथवा नाथ, अपनी इस बेटी को ले जाकर निर्दयता पूर्वक समुद्र में डुबा दीजिए। गिरिराज, ऐसा करके आप पूर्ण सुखी हो जाइए। स्वामिन, यदि विकट रूपधारी रुद्र को आप पुत्री दे देंगे तो मैं निश्चय ही अपना शरीर त्याग दूंगी। मैना के जब हठपूर्वक ऐसी बात कही, तब पार्वती स्वयं आकर यह ब्रह्मणीय वचन बोली, माँ, तुम्हारी बुद्धि तो बड़ी शुभकारक है, इस समय विपरीत कैसे हो गई? धर्म का अवलंबन करने वाली होकर भी तुम धर्म को कैसे छोड़ रही हो? ये रुद्रदेव सबकी उत्पत्ति के कारणभूत साक्षात ईश्वर है, इनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। समस्त श्रुतियों में यह वर्णन है कि भगवान शंभु सुंदर रूप वाले तथा सुखद है। कल्याणकारी महेश्वर समस्त देवताओं के स्वामी तथा स्वयं प्रकाश है। इनके नाम और रूप अनेक है। माता जी श्री विष्णु और आदि ब्रह्मा आदि भी इनकी सेवा करते हैं। ये सबके अधिष्ठान हैं, कर्ता हर्ता और स्वामी हैं। विकारों की इन तक पहुँच नहीं है। ये तीनों देवताओं के स्वामी अविनाशी एवं सनातन है। इनके लिए ही सब देवता किंकर होकर तुम्हारे द्वार पर पधारे हैं और उत्सव मना रहे हैं। इससे बढ़कर सुख की बात और क्या हो सकती है? अतः यत्न पूर्वक उठो और जीवन सफल करो। मुझे शिव के हाथ में सौंप दो और अपने गृहस्थ आश्रम को सार्थक करो। माँ, मुझे परमेश्वर शंकर की सेवा में दे दो। मैं स्वयं तुमसे यह बात कहती हूँ, तुम मेरी पत्नी इतनी सी ही विनती मान लो। यदि तुम इनके हाथ में मुझे नहीं दोगी तो मैं दूसरे किसी वर का वरण नहीं करूँगी, क्योंकि जो सिंह का भाग है उसे दूसरों को ठगने वाला शियार कैसे पा सकता है? माँ, मैंने वाणी और क्रिया द्वारा स्वयं हर का वरण किया है, हर का ही वरण किया है। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वह करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद पार्वती की यह बात सुनकर शैलेश्वर प्रिया मैना बहुत ही उत्तेजित हो गई और पार्वती को डांटती हुई दुर्वचन कहकर रोने तथा विलाप करने लगी। तदंतर स्वयं मैंने तथा सनकादि सिद्धों ने मैना को बहुत समझाया, परंतु वे किसी की बात न मानकर सबको डांटती रहीं। इसी बीच में उनके सुदृढ़ एवं महान हट की बात सुनकर शिव प्रिय भगवान विष्णु भी तुरंत वहां आ पहुंचे और इस प्रकार बोले। श्री विष्णु ने कहा, देवी, तुम पितरों की मानसी पुत्री एवं उन्हें बहुत ही प्यारी हो, साथ ही गिरिराज हिमालय की गुणवती पत्नी हो। इस प्रकार तुम्हारा संबंध साक्षात ब्रह्मा जी के कुल उत्तम कुल से है। संसार में तुम्हारे सहायक भी ऐसे ही हैं। तुम धन्य हो, मैं तुमसे क्या कहूँ। तुम तो
धर्म की आधारभूता हो, फिर धर्म का त्याग कैसे करती हो? तुम ही अच्छी तरह सोचो तो सही। संपूर्ण देवता, ऋषि, ब्रह्मा जी और मैं सभी लोग विपरीत बात ही क्यों कहेंगे? तुम शिव को नहीं जानती, वे निर्गुण भी है और सगुण भी है, कुरूप भी है और स्वरूप भी है, सबके सेव्य तथा सत्पुरुषों के आश्रय है। उन्हीं के फल मूल प्रकृति रूपा देवी ईश्वरी का निर्माण किया और उसके बगल में पुरुषोत्तम का निर्माण करके बिठाया। उन्हीं दोनों से सगुण रूप में मेरी तथा ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। फिर लोकों का हित करने के लिए वे स्वयं भी रुद्र रूप से प्रकट हुए। तदंतर वेद, देवता तथा स्थावर जंगम रूप से जो कुछ दिखाई देता है वह सारा जगत भी भगवान शंकर से ही उत्पन्न हुआ। उनके रूप का ठीक ठीक वर्णन अब तक कौन कर सका है अथवा कौन उनके रूप को जानता है? मैंने और ब्रह्मा जी ने भी जिनका अंत नहीं पाया उनका पार दूसरा कौन पा सकता है? ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत जो कुछ जगत दिखाई देता है वह सब शिव का ही रूप है, ऐसा जानो। इस विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। वे ही अपनी लीला से ऐसे रूप में अवतीर्ण हुए हैं और शिवा के तप के प्रभाव से तुम्हारे द्वार पर आए हैं। अतः हिमाचल की पत्नी, तुम दुख छोड़ो और शिव का भजन करो। इससे तुम्हें महान आनंद प्राप्त होगा और तुम्हारा सारा क्लेश मिट जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, विष्णु के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर मैना का मन कुछ कोमल हुआ, परंतु शिव को कन्या न देने का हट उन्होंने तब भी नहीं छोड़ा। शिव की माया से मोहित होने के कारण ही उन्होंने ऐसा दुराग्रह किया था। उस समय मैना ने शिव के महत्व को स्वीकार कर लिया। कुछ ज्ञान हो जाने पर उन्होंने श्री हरि से कहा, यदि भगवान शिव सुंदर शरीर धारण कर ले तब मैं उन्हें अपनी पुत्री दे सकती हूँ, अन्यथा कोटि उपाय करने पर भी नहीं दूंगी। यह बात मैं सच्चाई और दृढ़ता के साथ कह रही हूँ। ऐसा कहकर दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाली मैना शिव की इच्छा से प्रेरित हो चुप हो गई। धन्य है शिव की माया जो सबको मोह में डाल देती है। ओम नमः शिवाय।